Hey guys, how are you all? I'm Kaustubh Kohli and welcome back to my channel. So finally we are in Goa. मतलब you know plans तो होते ही रहते हैं पर है ना cancel भी बहुत होते हैं. पर finally हमारा Goa plan है ना successful हो गए और अभी हम Goa में हैं. और अभी हम आए हैं कैफे आनंद जो कि यहाँ का local कैफे है. वैसे तो है ना यहाँ का Goa का एक special breakfast है रस ऑमलेट जो कि रस ऑमलेट भी बोलते हैं इसे और मिर्ची भजी एंड ऑल. मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं इतने मतलब वेज का भी एक ऑप्शन है पातर भाजी करके बट हम अभी वो रस ऑमलेट ही खाने खा रहे हैं. अभी वही दिखा दो मैं एक्चुअल में क्या है. सो यहाँ पे ये जो कैफ़े आनंद है वो कैलंगुट में है और है ना अगर आपने गूगल मैप्स पर डाला ना आपको मिल जाएगा ये. और है ना ये रस ऑमलेट है ना बहुत ही कॉमन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है यहाँ पे हर एक शॉप्स में मिल जाएगा आपको. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो चलो देखते हैं एंड टेस्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज रस ऑमलेट. के साथ पाव सर्व किया जाता है और हमने ये अलग से मिर्ची भजी ऑर्डर की. सो ये एक्चुअली ऑमलेट होता है ये और इसके साथ ये चिकन की ग्रेवी सर्व करता है. सो अभी ये हम खा के देखते हैं. सो ये ग्रेवी है चिकन की एकदम कोकोनटी है एकदम फुल कोकोनट से भरी हुई एंड कोकोनट का मसाला है इसमें. ज़्यादा स्पाइसी नहीं है. ये ऑमलेट में है ना अनियंस डाले हैं प्लेन ऑमलेट है इसके साथ अनियंस है एंड पाव भी अच्छा है एकदम फ्रेश. इसके साथ प्याज एंड नींबू भी है ना एक नंबर ज़्यादा है. अभी हम ये मिर्ची भजी भी खाते हैं. मिर्ची भजी तो फिर नॉर्मल मिर्ची भजी है. जैसे नॉर्मल मिर्ची भजी होती है वैसे ही फैंसी नहीं है. गोवन ऐसे ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल एंड कॉम्पलेट होता है मोस्टली कल का बचा हुआ यू नो लाइक दे यूज इट फॉर लाइक ब्रेकफास्ट सस्टेनेबिलिटी. तो ठीक है अभी खाते हैं हम. जस्ट हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है. वैसे तो डिसेंट प्लेस है मतलब यू नो ऐसे लोकल्स बहुत आते रहते हैं. एकदम चीप है मतलब हमने दो रस ऑमलेट लिए दो जोड़ी पाव एंड एक मिर्ची भजी 185 रुपीस का बिल हो गया है. एकदम फेयर इनफ. अभी देखते हैं अभी हम नेक्स्ट स्पॉट कहाँ जाते हैं. लेट्स गो. अभी हम आए हैं कोंकणी कैंटीन जो कि गोवा का मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है फॉर द सी फूड. और यहाँ की थाली बहुत ही फेमस है. अभी हमने ली है किंगफिश थाली जो कि यहाँ पे ये ना मस्त रवा फ्राई किंगफिश है जो कि सुरमई. ये है थोड़ा सा ऐसे वो यहाँ की किंगफिश ग्रेवी है और इसके साथ दिया है एक ग्रीन कलर का कुछ तो सब्जी है. यहाँ पे क्लैम्स है. यहाँ पे एक कैबेज की है ना सब्जी है. ये एक चटनी है शायद से ये मुझे है ना ड्राइड फिश की चटनी लग रही है. ये है कोकम कोकम का अगर और ये राइस और सैलड एंड पिकल. सो अभी हम ये पहले ये टेस्ट करके देखते हैं करी कैसा है. वाओ एकदम थिक है एकदम क्रीमी है एकदम फिश का एकदम मस्त फ्लेवर आ रहा है. जैसे गार्लिक गार्लिक है थोड़ा सा अनियन की स्मॉल चंक्स है
एक छोटा सा फिश का टुकड़ा है, वाओ सो गुड। अब ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट एक्चुअली दिस इज, ये कुछ तो फिश है, आई गेस ये ना कैफियल है क्योंकि है ना ग्रीन कलर से। ये मोस्टली है ना एकदम ब्लैक पेपर का है ना एक अच्छा सा किक दे रहा है, और कोरिएंडर है ये, इसमें है ना एक छोटी फिश लग रही है, ये कौन सी फिश है पता नहीं, अभी देखते हैं फिगर आउट करते हैं। क्लैम्स है एकदम, जिसका कहते हैं क्लैम्स भी मस्त लग रहे एकदम, वाओ फ्रेश क्लैम्स, कोकोनटी फ्लेवर, कोकोनट के मसाले में एकदम कुक किया है, थोड़े थोड़े बीच में है ना ग्रीन चिलीज भी है ना दिख रहा है। वाओ ये है कैबेज की सब्जी, सिंपल होममेड कैबेज की सब्जी है ये, और ये है चटनी, ड्राइड फिश चटनी जो कि ऐसे दिखा देता हूँ, ये भी एकदम मस्त लगी है, एकदम अच्छा एक वो है ना फिशी सा एक ये है, प्लस है ना एकदम स्पाइसी है, इसमें है ना ग्रीन चिलीज है, देन अनियन है, कोरिएंडर है, एकदम तवा फ्राई है सब कुछ, और इसके साथ पूरा ये राइस दिया है। अभी हम ये जस्ट लुक एट दिस, ये है हमारी सुरमई जो कि किंग फिश, अभी हम इसे ट्राई करते हैं, जस्ट लुक एट दिस, वाओ क्या मस्त मस्त तवा फ्राई की गई है, रवा रवा मस्त कोटेड है, रवा एंड राइस फ्लावर, एकदम फ्रेश टेस्ट है, वाओ सॉल्ट भी एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट में है। ये राइस भी दिया है, यहाँ पे मोस्टली यू नो राइस ही खाते हैं, चाहे कोंकण हो या गोवा हो, साउथ में मोस्टली फिश के साथ राइस ही खाते हैं, और ये कोंकणी कैंटीन है तो मोस्टली राइस तो देंगे ही। राइस का भी एक अलग सा फ्लेवर है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो कौन सा राइस है मैं ना मेकआउट नहीं कर रहा हूँ, बट है ना बहुत अच्छा राइस है, ये राइस इटसेल्फ भी खाने को बहुत अच्छा लग रहा है, लोकल राइस है ये। सो दिस इज व्हाट द थाली इज, और अब ये इसे मैं पूरी तरह से खत्म करता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। ये थाली है 325, लाइक उन्होंने इतना मेंशन नहीं किया कि इंक्लूडेड टैक्सेस और एक्सक्लूडेड, बट लाइक दिस इज द प्राइस एंड एक्चुअली वर्थ इट, बहुत कुछ आया है इसमें, अलग ये फिश है, करी है, अलग अलग टाइप का फिश है, क्लैम्स है, दो ये सब्जी है, ये चटनी है, मस्त है एकदम। और ये कोंकणी कैंटीन पांजिम में है, जस्ट मैं ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा एड्रेस। सो दिस वाज इट, ये पूरा खा लेता हूँ एकदम मस्त से, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉप पे। सो अभी हम आए हैं कैफे कैरावाना, यहाँ पे एक छोटा सा एकदम मस्त क्यूट सा कैफे है, बहुत ही अच्छा वाइब है, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर है, एंड उनका रोस्टरी भी है यहाँ पे, कॉफ़ी रोस्टरी, सो इनके अलग अलग टाइप के कॉफ़ीज भी मिलते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड। सो अभी ये है गोवन स्पेशल सेराडोरा करके एक डिज़र्ट है, सो ये है, सो
सो गुड, मतलब एकदम लाइट है, मतलब बिस्किट के चम से वाओ, एकदम लाइट एंड स्वीट, परफेक्ट, सो गुड। एक टेस्ट आ रही है, एक अलग सी जो है ना, समझ में नहीं आ रही, वो शायद से मोस्टली बिस्किट से ही आ रही है। एक्चुअली अलग है, यू नो, इट्स लाइक नॉट वेरी कॉमन टेस्ट, इज डिफरेंट। Wow, airy, light and sweet. I just say this. और अभी इसके साथ हमने ये affogato ऑर्डर किया है. So ये actually coffee के ऊपर vanilla ice cream serve करते हैं. So that's affogato. इसके ऊपर से coffee beans भी है. Best in summers when you love coffee and ice cream too, this is the best combo. Wow, agar aap aise normal chill cafe dhoond rahe hain, you can say nahi kya, just baithne ke liye, you know, time pass ya fir aise book read karne ke liye, then this is the best place. Ye Panji mein hai और ये फॉन्टेनल लेन्स में है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आई विल पोस्ट द एड्रेस इन द कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन आई विल एंजॉय दिस अमेजिंग अफोगाटो। At Fat Fish, or like this is the best, you know, like people say, like this is the best restaurant to eat seafood. So actually यहाँ का popular like kingfish tawa fry हमने order किया है. So ये है actually सुरमई है, ये बहुत बड़ा piece है यहाँ पे मेरे सामने, एकदम tasty लग रहा है, मसालेदार एकदम, वही you know ऐसे ज़्यादा ऐसे माइल्ड नहीं है, एकदम मसालेदार ही लग रहा है। अभी हम खा के देखते हैं। यहाँ का एम्बियंस वैसे तो बहुत ही अच्छा है, एकदम म्यूजिक बज रहा है और बहुत एकदम लाइट्स एंड ऑल, वाओ सुपर्ब, एकदम फैंसी रेस्टोरेंट है ये। अगर आपको ऐसे लोकल रेस्टोरेंट्स भी करना है तो वो ऑप्शंस भी है, और ये एक fancy restaurant. So I just eat this. Wow, well marinated, एकदम easily to try fish, so tender, मसालेदार है, ज़्यादा ऐसे ये नहीं है, spicy नहीं है, पर है। So, अभी ये नींबू एकदम ये डाल के, सो ये स्टार्टर है एक्चुअली, तीन बड़े बड़े पीसेस आए हैं, एक्चुअली क्वांटिटी बहुत अच्छी है। प्राइस इसकी $6.90 है, पर यू नो बहुत बड़े पीसेस है, सॉइल से ओके। बट यू नो और भी स्पाइसी होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। इट्स गुड, सो क्वांटिटी वाइज आई गिव अ थम्स अप, बट यू नो स्पाइसी नो ऐसे मतलब एक तो ऐसा खास नहीं है, ऐसे इट्स लेस स्पाइसी।
यू नो फैंसी रेस्टोरेंट की वजह से लेस स्पाइसी किया होगा, बट लाइक वी रिक्वेस्टेड देम कि है ना ये मिंट चटनी, तो एटलीस्ट है ना इसके साथ खा के देखते हैं, यू नो इससे बहुत इन्हांस हो रहा है। आई सजेस्ट यू गाइस कि अगर है ना अगर आप ये रेस्टोरेंट में आते हो तो ईट दिस विश विद मिंट चटनी, बिकॉज ये मिंट चटनी साइड में तो नहीं देते, बट यू कैन आस्क देम लाइक सेपरेटली। वाओ, तो अभी प्रॉन बिरयानी भी मंगाई है हमने, सो वो आने के बाद करते कंटिन्यू। सो हमारी प्रॉन बिरयानी आ गई, एकदम मस्त प्रॉन्स टुकड़े, एकदम मसालेदार लग रही है एकदम। लेट्स सी हाउ इट इज। यहाँ पे एकदम से मिंट्स, मिंट शॉप मिंट्स, अनियन, फ्राइड अनियन टॉप, हाँ एकदम परफेक्ट बिरयानी लग रही है, देखते हैं अभी। वाओ, एकदम परफेक्ट बिरयानी है, स्पाइसी है से, थोड़ी खटास है दही की, मिंट का फ्लेवर है, देन खड़े मसालों का एक फ्लेवर है, प्रॉन भी एकदम ऐसे फिशी नहीं लग रहा है, एकदम ऐसे अच्छा टेस्ट कर रहा है, और प्रॉन एकदम अच्छे से वेल कुक है, राइस भी एकदम से मस्त खिला खिला है, फ्राइड अनियन का भी एक वो एक अच्छा सा पेक्युलर टेस्ट आ रहा है। वाओ, इट्स अ नाइस गुड प्रॉन बिरयानी, रियली रियली लाइक मस्त है एकदम। और अगर आप यहाँ पे हो देन यू शुड रियली ट्राई दिस। अभी रायता भी दिया है इसके साथ, आई लव रायता, रायते के साथ भी खाते रिफ्रेशिंग रायता एंड बिरयानी इज सो गुड। इसके साथ प्याज हो तो सोने पे सुहागा। ये फिश भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में दिया है, आधा 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 दिया है हमने वो पीस। बिरयानी भी की बहुत क्वांटिटी है, मतलब आपने बिरयानी और ये फिश भी लिया ना बहुत हो गया सीरियसली। अब ये मैं फटाफट से खत्म करता हूँ। हाँ, और एक्चुअली ये हमारा लास्ट मील था पूरे लाइक पार्ट वन का एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। प्लीज मुझे बताओ कि आपकी आपको क्या अच्छा लगा है इन सब में से, यू नो कौन सी डिश आपकी फेवरेट है, और अगर ना मैंने कुछ मिस आउट किया है तो नेक्स्ट टाइम में क्या ट्राई करूँ ये बताओ। एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझे ना सजेशन दी थी ये ट्राई करो वो ट्राई करो, बट अभी टाइम ही नहीं मिल रहा ये बहुत सारी चीज़ों का, तो ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय।